नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मधु की रसोई में। और आज मैं बनाने जा रही हूँ अरवी की ऐसी सब्ज़ी जो बच्चे तो पहचान ही नहीं पाएंगे कि अरवी की सब्ज़ी बन रही है। तो चलिए बनाते हैं। ये मैंने अरवी आधा किलो मतलब अरवी लिया है और इसको पहले से ही उबाल के 2 से 3 सीटी लगा था उबलने में, और मैं इसको अच्छी तरह से छील लूँगी। आप देख सकते हैं कि अरवी बहुत ही अच्छी तरह से उसका जो छिलका है निकल जा रहा है। तो एक एक करके मैं सारा अरवी जो है उसको मैं छील लूँगी। अरवी कोई कोई बहुत ऐसे होते हैं जिसमें वो कच्चा थोड़ा रह जाता है, तो अरवी आप देख के लें कि अरवी कैसा है। तो मैं अरवी को गोल गोल मतलब काट रही हूँ। आप तो चाहे तो लंबे साइज मतलब लंबे आकार में भी काट सकते हैं। तो मैं यहाँ गोल गोल चिप्स की तरह काट रही हूँ, और मैंने सारा अरवी काट लिया है आप देख सकते हैं। और गैस जला लिया, गैस पे पैन रख दिया है, तेल पैन में मैंने तेल डाल दिया है और तेल को गर्म होने देंगे। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा मेथी दाना, और इसमें हमने डाला है थोड़ा सा हरा मिर्चा और लहसुन का पेस्ट मतलब कूट के डाला है मैंने। और इसके बाद से हमने डाला इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट जो ये मार्केट वाला है। आप चाहे तो घर पे भी जो बना के रखते हैं उसको भी डाल सकते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इसके बाद से थोड़ा सा इसको हम भून लेंगे, और हम डालेंगे इसमें जो अरवी काट के रखी थी इसको, और इसको हम अच्छी तरह से अलग पलट के दोनों तरफ से थोड़ा सा चला देंगे कि मसाला और जो तेल है वो अच्छी तरह से मिल जाए। और आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा कलर आ गया है अरवी की सब्ज़ी में। और फिर हम डालेंगे इसमें मसाले, बहुत थोड़े मसाले पड़ेंगे, जिसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा हम डालेंगे मतलब आधा चम्मच के करीब गरम मसाला। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि ये सिंपल सी अरवी की सब्ज़ी है जो बहुत ही आसान और बहुत जल्दी बन जाता है। और फिर सारे मसालों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे कि अच्छी तरह से चारों तरफ से वो अरवी में मिल जाए। और इसको पैन में हम थोड़ा सा फैला के फिर इसको ढक के हम पकाएंगे। जो भी अरवी थोड़ी बहुत कच्ची होगी वो उसको पक जाएगी। और इसमें हम डालेंगे हींग, और इसको भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। हींग तो बहुत ज़रूरी है डालना, क्योंकि अरवी को कहते हैं लोग कि थोड़ा सा वो क्या होता है उसमें, पता नहीं क्या होता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हींग डालना चाहिए क्योंकि वो पचने में खाने के बाद वो पेट में अच्छी तरह से पच जाए। और हम डालेंगे इसमें नमक। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको ढक दिया है, और ढक के थोड़ी देर पकाएंगे। मैंने नमक लास्ट में डाला है क्योंकि अरवी बहुत अच्छी तरह से गल गई थी, तो इसलिए मैंने नमक पहले नहीं डाला और नमक को मैंने बाद में डाला है। थोड़ी देर इसको ढक के पकने दिया है, और मैंने स्वाद के अनुसार नमक डाला है। और इसको भी अच्छी तरह से हम मिला लेंगे, क्योंकि नमक बाद में डाला है तो थोड़ा सा मिलाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं नमक ज़्यादा हो जाएगा कहीं कम हो जाएगा, तो उसको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। और पैन में चारों तरफ से हम फैला देंगे। और फिर आप देख सकते हैं कि मतलब अरवी की सब्ज़ी थोड़ी सी कुरकुरी हो गई है। और फिर हम ढक्कन लगा देंगे, ढक्कन लगा के पकाएंगे, और बिल्कुल धीमी आंच पे हम पकाएंगे। और यहाँ पे हम डालेंगे लास्ट में कसूरी मेथी, और कसूरी मेथी से स्वाद मतलब टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है। आप किसी भी सब्ज़ी में कसूरी मेथी अगर डालते हैं तो सब्ज़ी की जो टेस्ट होती है ना वो बहुत अच्छी आती है। अगर आपके पास धनिया नहीं है तो आप उस जगह पे कसूरी मेथी डाल सकते हैं। तो ये मेरी सब्ज़ी रेडी हो गई है अरवी की। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल कुरकुरी, बिल्कुल इतनी अच्छी।
आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि अरबी की सब्ज़ी है। आप अगर इसको टेस्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि ये आलू की सब्ज़ी मैं खा रही हूँ जो भी है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। बाय।